गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 16B. द साइड ऑफ अ स्क्वेयर फ्लावर बेड इज 1 meter 80 centimeter. इट इज एनलार्ज्ड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप टू 20 centimeter वाइड ऑल अराउंड इट. फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड. देखिए, इट इज अ फ्लावर बेड 1 meter 80 centimeter स्क्वेयर है ये, तो इसकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल. तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है. 1 meter 80 centimeter इज इक्वल टू 180 centimeter. तो इट इज 180 centimeter 180 centimeter 180 centimeter 180 centimeter. इट इज एनलार्ज बाय डिगिंग अ स्ट्रिप, यानी कि इसको एनलार्ज किया गया 20 centimeter एक्सटेंड करके. चारों तरफ से इसको 20 centimeter बढ़ा दिया गया. 20 इधर से 20 इधर से 20 इधर से और 20 इधर से. तो आपको बताना है द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लावर बेड. तो एनलार्ज फ्लावर बेड के लिए आप ये पहले निकालेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड आफ्टर एनलार्ज्ड कितना होगा बच्चों, बताएं. 180 था ये, यहाँ पर इसकी साइड 20 इधर से ऐड हो गई, 20 इधर से, तो कितना हो गया? 180 प्लस 20 प्लस 20, 180 प्लस 40 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. दूसरा इसमें ब्रेथ तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी सेम एनलार्ज हुई है, तो इसमें स्क्वायर है ये, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी. तो वी राइट द फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. 220 मल्टीप्लाई बाय 220, 22 ज़ा 44 और 4 48 20. तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों? एरिया ऑफ एनलार्ज फ्लावर बेड इज इक्वल टू 48,400 centimeter square. नाउ सेकेंड पार्ट, द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कि ये हमने कितना इंक्रीज़ किया इसका एरिया निकालने के लिए. पहले हमें ये जो पहले वाली फ्लावर बेड थी 180 वाली, उसका एरिया निकालना पड़ेगा. तो वी राइट साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड बिफोर एनलार्ज्ड, बिना एनलार्ज करने से पहले उसकी साइड कितनी थी? 180 सेंटीमीटर. अब आपका इसमें एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड बिफोर एनलार्ज्ड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. 180 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 8 ज़ा 144, 18 1 ज़ा 18 18 और 14 32 20. तो कितना आ गया? 32,400. नाउ फाइंड द, अब आपको क्या करना है? द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड. तो इंक्रीज एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ एनलार्ज्ड फ्लावर बेड माइनस एरिया ऑफ बिफोर एनलार्ज. 48,400 माइनस 32,400, 0 0 0, 8 minus 2 6, 4 minus 3 1. तो कितना आ गया? 16,000 centimeter square. क्लियर?
Now question number 18. A rectangular piece of ground is 45 meter long and 35 meter wide. हमने क्या बनाया? 45 meter long and 30 meter wide ground. It has two roads each 1 meter wide running midway. It one parallel to the length and one other parallel to the breadth. इसके सेंटर में एक रोड जो है 1 meter जिसका breadth है वो कहाँ जा रही है? Parallel to the length side and one road parallel to the width side. और इसकी भी चौड़ाई कितनी है? इसकी भी breadth कितनी है? 1 meter. Find the area of the roads. अब ये जो क्रॉस रोड्स हैं इनका हमें एरिया फाइंड करना है. तो बच्चों पहले ये वाली रोड क्या नाम है इसका? EFGH. वी टेक लेंथ ऑफ रोड EFGH इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू फील्ड. कितना है यहाँ? 45 मीटर. इट्स लेंथ इज 45 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 1 मीटर. तो हमने यहाँ लिखा 45 मीटर. Breadth of road EFGH is equal to 1 meter. Area of road EFGH is equal to L into B. 45 into 1 is equal to 45 meter square. Now area of road this. What is the name of this? We take STUV. हमने लिखा length of road STUV. कितना length है इसका? इसके equal. यानी कि 30 meter. And its breadth is 1 meter. 30 meter. And breadth of road STUV is equal to 1 meter. Area of road STUV is equal to L into B. 30 multiplied by 1 is equal to 30 meter square. अब बच्चों ये देखेंगे हम, ये वाला जो एरिया है ये कॉमन है तो इसको हमें एक बार लेना है. यानी कि इस रोड में हमने ले लिया एक बार का एरिया, हम इसका फाइंड करेंगे और इन दोनों एरिया को ऐड करके उसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस. नाउ वी टेक एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन. अब ये देखिए ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी विड्थ इधर से भी 1 मीटर है और इधर से भी 1 मीटर है, इधर से भी और इधर से भी. तो वी टेक साइड इनटू साइड. 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. Now area of the roads is equal to area of EFGH plus area of STUV minus area of KLMN. इस दोनों रोड के एरिया में से ये जो हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड किया है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो क्या आएगा? पहले ही हमारा आया था 45 प्लस 30 माइनस 1. 75 माइनस 1 इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ द रोड्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड. रिमेनिंग ग्राउंड कौन सा है बच्चों? यहाँ तो ये हमारी रोड्स बन गई, ये वाला पार्ट जो मैं शेडेड कर रही हूँ दैट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे ग्राउंड का एरिया निकाल कर जो हमारा रोड्स का एरिया आया था उसको हम माइनस कर देंगे. और पूरे ग्राउंड का एरिया कितना है? पूरा ग्राउंड कितना है? ए बी सी डी. Its length is 45 meter and its breadth is 30 meter. So how we can find it? Area of ground ABCD is equal to length into breadth. So, बच्चों इसकी length कितनी थी?
length of ABCD is equal to 45 meter, breadth of ABCD is equal to 30 meter. 45 multiply by 30, 3 5s are 15, 3 4s are 12 और 1 13, तो कितना आ गया 1350 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्राउंड. नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, रिमेनिंग ग्राउंड कितना बचा, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रोड्स. एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आ रहा है 1350 और एरिया ऑफ रोड्स हमने कितना फाइंड किया था पहले 74. नाउ 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 7 7, 2 1. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड इज 1276 मीटर स्क्वायर. एवरीवन गॉट इट. क्वेश्चन 3 इज सेम. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. ए बी सी डी, ए बी सी डी इन्होंने ये रेक्टेंगल लिया है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, देखिए इसका हमें मेजरमेंट यहाँ नहीं दिया है. अब आप ये देखिए 22.5 यहाँ से है, ये 22.5 यहाँ से, ये कितना है टोटल 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर. तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, टोटल कितनी है 50, इसमें से 22.5 इधर से और 22.5 इधर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 माइनस 22.5 प्लस 22.5. 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ सेम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब ये इसकी ब्रेथ बतानी है ये वाली. अब टोटल यहाँ पर कितनी है 20, 9 इधर से और 9 इधर से माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 20 माइनस 9 प्लस 9, तो 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ कितना आया 5, ब्रेथ कितनी आई है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क. अभी मैं होमवर्क आपको लिखकर भेज रही हूँ, वो सभी जो रह गए हैं क्वेश्चन जो मैं बताऊँगी वो आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है.